सोलन में भारतीय जीवन विज्ञान आयुर्वेदिक के प्रवर्तक धनवंतरी जयंती पर समारोह का आयोजन जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में किया गया, जिसका शुभारंभ अस्पताल परिसर में भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना व हवन के साथ किया गया। हवन में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर तेजस्वी आजाद सहित अस्पताल के सभी चिकित्सक, नर्से, मरीज व कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर बधाई दी। कार्यक्रम में अस्पताल परिसर में विभाग द्वारा आयुष की सभी पद्धतियों के चिकित्सकों ने जानकारी सहित उपस्थित रोगियों का इलाज भी किया जा रहा है। इस अवसर पर सेमिनार का भी आयोजन किया जा रहा है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर तेजस्वी आजाद ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धनवंतरी दिवस पर अस्पताल परिसर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि आज लोगों को आयुष की पद्धतियों के बारे में जानकारी सहित निःशुल्क जाँच की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में धनवंतरी दिवस पर धनवंतरी जयंती जो है उसको मनाया गया। भगवान धनवंतरी जो है आयुर्वेद के प्रवर्तक रहे हैं। जब असुरों का देवताओं के साथ युद्ध हुआ था तो समुद्र के जो है उसमें मंथन के टाइम जो है भगवान धनवंतरी विष्णु के रूप में जो है हमारे जो है धनवंतरी भगवान जो है अवतरित हुए। उनका जो सारा जो है वो आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने आगे जो अपने जो उनके ऋषि थे, उनको काश्यप थे और कई जो ऋषि थे उनको सबको आगे दिया और उससे जो है आयुर्वेद का ज्ञान जो है आगे से आगे बढ़ता। आज की युग में जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में आयुर्वेद के जो है उसको एक्सेप्ट किया गया है, और जबकि इतनी प्राचीन पद्धति है जिससे कि सिर्फ हिन्दुस्तान में किसी समय सिर्फ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो भारतीय चिकित्सा पद्धति थी उसी का ही बोलबाला था, और आज जितने भी बाहर के कंट्रीज है उसमें आयुर्वेद के जो है द्वारा जो है इलाज करवाया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है खासकर जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत कम है।